नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद के लूनी तहसील पर राष्ट्रीय लोक दल पार्टी ने किया बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। राष्ट्रीय लोक दल पार्टी में देश में हो रहे किसानों पर अत्याचार, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ती बेतहाशा महंगाई पर किया प्रदर्शन। जी, मेरा नाम सिराजुद्दीन दोला, मैं जिला मंत्री। और जो ये हमारी पार्टी के लिए जो धरना प्रदर्शन हमने किया, इसलिए क्या है कि बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए, और ये देखिए दाम कहाँ जा रहे हैं कि 450 का सिलेंडर आज जो है 1100 से ऊपर जाने वाला है, और बढ़ती तेल की समस्या, और उसमें के मजदूर तबके के लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उनकी जेबें खाली और घर खाली हो गए, उनकी बीमारी के लिए अस्पताल के अंदर में उनके पास पैसे नहीं कि जो इलाज कर ले। तो ये सरकार जब से आई है इस भ्रष्टाचारी सरकार ने इनके बिल्कुल जो है आम जनता को जो है बिल्कुल बेकार कर दिया। अब हम सब यूथ का और हम सब जो लोग हैं जो जुड़े हैं, हम ये कि हम राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें और अपनी एकता से और अपनी निष्ठा से इस सरकार के साथ खड़े रहें। 2022 को लेकर हमारी रणनीति यह है कि हम बिल्कुल जो है हमारे जैन चौधरी, हम उन्हें सीएम बना के रहेंगे और वो सीएम बन गए, क्योंकि हम जो देख रहे हैं लोनी के अंदर में और जैसी प्रक्रिया चल रही है जोरों शोरों से, और हर यूथ और हर जवान और अपने जान से और हर किसी से तैयार है, क्योंकि वो देख रहे हैं कोई हमारा साथ दे सकता है।